प्लीज उसे हमें वापस कर दीजिए। और वो है कहाँ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोगों से किडनैप करके यहाँ ले आए। आपका कसम हम बोल रहे हैं दीदिया, तोर कसम, श्रीकंतों के महरारू को हम नहीं उठाए हैं। तो और कौन कर सकेला ये काम? हम तो आपका टेंशन खत्म करना चाहते हैं। भैया जी की बहू का पता है हमारे पास। अगर निशा को कुछ हो गई तो अपना बेटा से हाथ धो दे। संतोष, कैसे करना कैसे उसका? अब करना क्या है, मेरे ससुरा को बातें से न मनाएंगे। अब किसका फोन आ गया? हाँ हेलो, कौन? बाबा बोल रहे हैं। मुझे कहाँ से बात कर रहा हूँ? जी जी भैया जी, बाबा का फोन है। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? ठीक है बाबू, लेकिन वो हाँ सुने हम भी श्रीकांत के वाइफ के साथ ठीक नहीं हुआ। बाबूजी बहुत डिस्टर्ब हैं तुम्हारे। वो नहीं चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए विजय, पिता है तुम्हारे। उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है हमारा। विजय क्या कभी माफ नहीं करोगे उनको? काका उसको माफी देने का अधिकार था, उसको तो जीते जी। विजय काका, हम तो बस जीने का रस्म निभा रहे हैं। बहुत मजबूरी था तुम्हारे बाबूजी के साथ। रहने तो काका कहानी को, हैं? कई बार बता चुके हैं आप, श्रीकांत की बाइक का पता कीजिए, मुसीबत में होगी। देख बाबू, खानदान की इज्जत का सवाल है। अब इज्जत उज्जत का बात रहने दीजिए काका, हम इधर देख रहे हैं। प्रणाम। अरे किडनैपिंग विडनैपिंग कुछ नहीं के भाईल, मर्द के छोड़ के भाग गई होए। बड़का खानदान वाला बालो, पोता तो घर से भाग गई, का इज्जत रह गई, मुंह पे कारिक तो पोता गई। भागी ना और करा कोर्ट में भी आ, एमए पास पतो, आई राम एमए पास पतो, अब बैठ के तलवा चाहता पताओ के। अरे भाग ही के रहे तो कहीं और भाग के चल जाए थी, यहाँ महाराजगंज में काहे के आई ली? एक बात बतावा, यहाँ होकर जान बची? हाँ अरे कसाई है अमरकांत के खानदान, खोज की मुआ ध्यानसन नहीं किया के। अरे तो उसे का हो जाए, अरे जोन इज्जत चल गई बा वो वापस आवेला का? कुछ बोला, एको दाग लगा गई खानदान पर। दाग? अरे तनी को शरम लिहाज बचले बा ना, तो चुल्लू भर पानी में अमर कंतवा के मर जाए के चाही। ऊ काहे के मरे, वो तो सीना ठोक के कहता है कि कौनो किडनैपिंग नहीं हुआ है। कहे से नानू हुई बबुनी, ये बात चिपले से ना छिपाए। बेटी पतोह के कदम एक बार घर से बाहर पड़ गई तो समझ ल जिंदगी भर के कलंक लाग जाला खानदान पर। ठीक कहता रहो। अरे कहाँ से आता रहो? तो नहीं पता करेगा इलवानी, श्रीकंतवा के मेहरारू को क्या उठेला छे? ऐसी हल्का नोखे के जरूरत नहीं के। अरे झूठ मूठ के ऐसे ही अफवाह उड़ा देले बाड़न सा कि लड़की किडनैप हो गई बा। ना समाचार पक्का बा, किडनैपिंग तो भइल वो बम्बई से। अरे अमरकंतवा के तू लोग ना पहचानब, खुर्चा लिहा एक नंबर के, एकरा पीछे भी ओकरो कोई चाल हुई। खाना खा लीजिए मैडम, दो दिन से कुछ हो नहीं खाए, कुछ हो हवा गया तो हमारा जान भी खतरे में आ जाएगा। सलीम के जैसा हमको भी मार डालेंगे सब। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों रखा है? क्या चाहते हैं मुझसे?
खाना क्यों नहीं देते? ऑर्डर मिलेगा तो छोड़ भी देंगे। अब खाना खा लीजिए। किसका ऑर्डर? कौन है वो? मुझसे क्या चाहता है? हमको क्या पता मैडम, हमको तो यह नहीं पता कि आपको कौन किडनैपिंग काहे की है। देखिए हम मिडिल मैन, उधर से फोन आएगा, जहां कहेंगे आपको छोड़ देंगे। अब खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे, सुना नहीं आपने? मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। अमरकांत शर्मा की बहू का होगा? कौन क्या होगा वो? हमको क्या पता किसने किया? अगर चिल्ला के बोल रहे हो चाची, किसने किया होगा अपहरण? हमको क्या पता? छी 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 छी, जो ये किया है उसको तो भगवानों नहीं बचा पाएगा। अमरकांत जी के बहू रानी का सवाल है। देखे हॉस्पिटल में बैठे बैठे इतना बड़ा कांड कर दिया बबन लाल ने। अरे भैया जी का नाम भी मत लेना, ये हिजरा वाला खेल नहीं खेलते भैया जी। अगर बदला लेना होगा तो डायरेक्ट अमरकांत के सीने में गोली मार देंगे, पर औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे तो अखबार में गलत छापा है का? अरे पगला गए हैं दिनकर जी, एक दिन उनका भी हिसाब किताब होने वाला है। ताजुब तो ये बात का है कि अमरकांत जी अभी तक चुप का है। अरे मुंह से चुप है मुंह से, भीतरे भीतरे तो महाभारत चल रहा होगा। सुना नहीं है कि जब तूफान आता है तो पहले शांति छा जाती है। एकदम ठीक कह रहा बबुआ, बातें यही है। लीजिए अमरकांत जी आ गए। हाँ जो पूछना पूछिए। आपकी बहू का अपहरण हो गया है और आप चुप हैं? सब अफवाह है, हमारी बहू का कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो मुंबई में सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ जी, हमें जो कहना था कह चुके। अमरकांत जी जाते जाते एक सवाल का जवाब तो देके जाइए, ये जो बब्बन को गोली मारी थी ये कहीं उसका रिप्रेशन तो नहीं है? अरे जो कहना था कह दिया ना, क्या फालतू का सवाल पूछते हैं ये लखनवा। हाँ भैया चाय पिलाओ इन सबको, जाइए चाय पीजिए। चलिए चलिए जवाब सुन लिए ना। हाँ चलिए चलिए बैठिए बैठिए चलिए चलिए। ए रघुआ चाय ले के चल। ये चल रहा था बब्बर की गोली वाली की, इसको उसका कुछ हुआ? चल तो हम दो बजे तक तो आइए रहे, हाँ वहीं रुको। दिनकरवा लिखता है कि अमरकांतवा के पतों को हम अपहरण किए, नामर्द समझा हमको। कहिए तो उसके ससुर के छपाखाना में लगा देते हैं और उसी अग्नि में दिनकरवो के जला के भस्म कर देंगे, हो जाएगा स्वाहा बस। जब बर्बाद बिंदा जी अमरकांत को फोन लगाओ। हत्यारा से बात करब रवा? कभी कभी दुश्मन से भी बात करे के पड़ेला, ना समझबू? हाँ बाबा बिंदा बोल रहे हैं, जीजा जी बात करेंगे। बब्बन का फोन है। बोल बब्बन। आवाज में गुस्सा दिखाई दे रहा है। अमरकांत गोली हम खाए हैं और गुस्सा आपको आ रहा है। शायद उम्र तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है इसलिए बच गया तू। चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। काम की बात करो। काम की बात यह है अमरकांत, मर्दों की लड़ाई में बब्बन औरत का सहारा नहीं लेता, दोनों गलतफहमी में मत रहना। अरे लड़ाई तुमसे है, सीधे तुम्हारे सीने पे गोली मारेंगे। इंतजार कर रहा हूं, पहले हॉस्पिटल से तो बाहर आओ फिर हिसाब करूंगा। आ रहा हूं अमरकांत। बोला
का भूलेगा ससुर के नाती। कहाँ भाई? कुछ पता चला छुटकी दुलाइन के? ना हो, काहे के पता लगे जाओ। पूरा घर तबाह हो गया लोकरा पीछे। थाना, पुलिस, सब भाई। बाकी कुछ पता ना चला। जमाना बड़ा खराब हो गई बा। बोला, जवान महरारू के उठा ले लंसा। केहू सुरक्षित नहीं खे। का बाल बच्चा और का मरद महरारू। का हो रिस्मा? इस एकांत बबुआ के ब्याह कब भइल? अब चाची, का बताई तू लोग के? ब्याह हुआ कुछो ना भइल? ना फेरा परल, ना सिंदूरदान भइल। ऊ तो कोरट में जाके ब्याह भइल बा। आई हो दादा, ऐसा कहीं ब्याह शादी हो खेला? ओकरे तो भगत है लोग। अरे शादी ब्याह कौनो बच्चा का खेल है? न पत्री के मिलान भइल, न कुछ हो। ऐसा ब्याह कहे के भले भूल जाओ ना? ये ठीक नहीं है। अमरकान के बोला, अब लड़का ब्याह कर ले ले पा, तब पंडित के बुला के विधि विधान से ब्याह करा देस। चाची, अमरकान तो ब्याह से इनकार कर दे ले रहा। बाकी मेरारू काहे के माने जाओ? बेटो ऐसे ने पैदा कैलन कि बाप के कहना में नहीं खे। अब वो बेचारा करस तो का करस? हाय रवा, तनी समझाई उनका। औरत घर के लक्ष्मी होला। अब जब श्रीकांत बउआ ओकरा ब्याह के लिए आइल बारन, तो ओकरा स्वीकार करे में ही ई घर का भलाई है। अब का भलाई का बुराई? हमरा तो ई लड़की के लक्षण ठीक नहीं के बुझात। अभी तक घर में कदम नहीं के रख ले तो ई हाल बा। जौन दिन घर में कदम राखी, उ दिन न जाने का हुई। क्या बात है भैया जी, आजो कहीं रेड मारना है का? कितना रेड मारे? पूरा महाराजगंज तो छान मारे। घर के इज्जत के बात है भैया जी। काहे का इज्जत? जब वो घर के बहू है ये नहीं तो इज्जत काहे का? हम तो कहते हैं मरने दो, उसके लिए मारा मारी करने का जरूरत का है? हाँ बोलो। ठीक है, मत मारने नहीं आए, प्यार से दो को बात करने आए। जरा पूछे बाबा, सलीम तुम्हारे साथ रहता था ना? बता दे, नहीं तो शनिचरा ग्रह उतारने लगेंगे। पता है ना, शनिचर भगवान जिस पर ठहर गए समझो उसका बेड़ा पार, और जिस पर उखड़ गए उसका सत्यानाश। जिस रात उसका मर्डर हुआ उसकी ड्यूटी कहाँ थी? हमको कुछ होगा तो नहीं ना बाबू साहब? हम है ना, कुछ नहीं होगा तुमको। फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस है, वही था उसका ड्यूटी उस रात। फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस? सच बोल रहे ना तू? झूठ काहे बोलेगा हुजूर। चलिए बाबा, निशा वहीं होगी। चलिए
क्या कर रहे हैं भैया, चलिए ना। अरे मामा जी का फोन कर रहे हैं। बताना नहीं है का? चलो बैठो मारे। हेलो 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 मामा जी। हाँ हम रितेश, रितेश अमरकांत के सेलफोन पर किसी की बात हुई है, हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। वो कह रहे थे निशा वहीं पर होगी। हाँ सर, ओके सर। ओके पांडे भैया, आप रात में भी मोबाइल चालू करके सोते हैं, बंद कर दीजिए। अरे नहीं भाई, मेरा मोबाइल बंद है यार। देखिए कहीं फोन तो नहीं बज रहा है। पांडे फोन उठा। अरे उठिए भैया, देखिए कहीं साहब का फोन ना हो। मैं तो खुद जाग रहा था, नहीं उठा यार। हेलो हेलो पांडे जी। सर पापा सर, सर आपकी आवाज कर लू पापा का। हेलो पांडे, नहीं दे रहा पांडे, अपनी आवाज नहीं पहचान रहे हैं कल्लू के। सर आज भी हेलो, अरे कल्लू को पापा तू कर लू। नहीं भैया देखिए इधर कल्लू, मैं पांडे साहब बोल रहा हूँ। चल 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 बैठो जल्दी। हेलो शाम को सब्जी लेते आइएगा, भूलिएगा नहीं। अरे भैया आप कौन बोल रहे हैं यार? अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है? और देखो मैं फोन में घुस के मारूंगा। का हुआ भैया? अरे का हुआ, इस फोन में कौन सी रखल हो भाई? एक ठो फोन में चार गो आवाज आता है, मेरे को लगा कि अस्पी साहब का फोन है। कल्लू के पास भी सोने नहीं देगा लगता है भैया। हेलो हेलो, आई लव यू, आई लव यू टू डार्लिंग। ए पांडे भैया। हाँ। अरे इसमें एक लड़का एक लड़की की आवाज सुनाई देता। अरे तो भाई करने देना, तेरा क्या लेते हैं? अरे प्रेम वाली बात भैया। अरे मैंने बहुत प्यार कर लिया यार, नीचे रख। क्रॉस कनेक्शन भी अजीब चीज है, अब बचता रहे, उठाऊंगा इन्हें। लिया तो बाप याद आया है। जिस लड़की के लिए हम अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिए, वही लड़की आज हमारे मान सम्मान। संकट का घड़ी में हम आपके साथ हैं। अमरकांत को समझौता के लिए दबाव डाला जाए, हमको अपना हितेशी मानकर हमारा बात पर गौर कीजिएगा।